मार्केट में 24-25% का मार्केट में बहुत ही सेफली राइज आएगा। 2021 की जो हमारा इंडेक्स टारगेट है KC 100 इंडेक्स का वो 52,000 है। बेस इफेक्ट हमारा ऐसा हुआ है कि वो हर चीज़ इस वक्त कहीं भी आप हाथ लगाएंगे तो आपको पॉजिटिव उसमें ज़्यादा नज़र आएगा, तो वैल्यूएशंस वाकई ऐसी कम है। सानी भाई, वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट द मार्केट फॉर 2021। 2020 में मार्केट ने बहुत ही रिमार्केबल कमबैक किया और मार्च से लेके टू डेट मार्केट की ओवर 60% की परफॉर्मेंस रही, जो कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी दुनिया की सारी मार्केट्स में। तो वी आर वन ऑफ द टॉप 5 मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इस साल क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स में भी इनफ्लोज एक्सपेक्टेड हैं, उसके अलावा हमारी जितनी डोमेस्टिक सेविंग्स हैं उनका भी रुझान एक्विटी मार्केट की तरफ जा रहा है। अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड वाले भी बढ़ा रहे हैं एक्विटी में शेयर, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह भी बढ़ा रही हैं, तो आप लिक्विडिटी की बेसिस पे जब आप देखेंगे और अर्निंग्स ऑफ दी कंपनीज जिनका मार्केट में वेट है तो वो तो अच्छा लगेगा। सारी दुनिया में बहुत डेविस्टेशन की बात हो रही थी, बट मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट and more specifically our government acted in a more timely manner. और सबसे बड़ा जो इशू था कि when you are in a lockdown and people are stuck at home without jobs etc., तो उनके पास spending power नहीं रहती है। बहुत से mostly लोग day to day hand to mouth चल रहे होते हैं, living off their weekly monthly payroll checks. तो उस सूरत में सबसे जो मैं समझता हूँ बड़ी चीज़ ये की थी हुकूमत ने अलॉन्ग विद स्टेट बैंक कि लिक्विडिटी से स्टार्व नहीं होने दिया। उसमें मुख्तलिफ तरीक़ों से कुछ हुकूमत ने डायरेक्टली जो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दी पुअर प्रोग्राम्स रन करते हैं एहसास वगैरह के नाम से, उसके अलावा जो मुख्तलिफ बिजनेस हाउसेस को कुछ इजी टर्म फाइनेंसिंग मिल गई कि वो लोगों को एम्प्लॉयड रखें और पेरोल पे रखें। उसके अलावा जो एक पॉजिटिव चीज़ ये थी कि हमारे यहाँ ख़ास तौर से कुछ लॉकडाउन इस तरह मैनेज किए गए कि जो एसेंशियल कारखाने हैं सारे वो चलते रहे और हमारे लिए एसेंशियल्स में एक्सपोर्ट भी है तो वो भी चलते रहे और रीजनली वेल मैनेज हो गया। कुछ मैं कह लूँगा कि अल्लाह की तरफ से जो हमें सेवेरिटी ऑफ कोविड है वो उस तरह नहीं हुआ जो कुछ बाकी ममालिक में हुआ, तो हम रिलेटिवली उतने ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुए ऑन दी मेडिकल साइड ऑल्सो, बट ऑन दी इकनॉमिक फ्रंट क्योंकि ये सारे मेजर्स लिए गए और उसके बाद फिर स्टेट बैंक ने मज़ीद मेजर्स लिए लिक्विडिटी फ्रेश करने के, जिसमें कुछ फाइनेंसिंग वगैरह ऐसी दे दी जो इंडस्ट्रीज वगैरह को ग्रो भी करना चाहें ख़ासतौर से एक्सपोर्ट वाला साइड। लकी अगेन ये हुआ कि हमारी जो टेक्सटाइल की वैसे तो एक्सपोर्ट्स में कोई ऐसा इतना बड़ा हमने कारनामा नहीं किया है रीसेंट ईयर्स, बाकी लोग से बाकी ममालिक बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन चूंकि हम लोअर वैल्यू एडेड थे तो वो एक तरीके से हमारे लिए ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज हो गया कि हमारे प्रोडक्ट्स की जो लोअर प्राइस एंड की रेंज है उसकी ज़रा डिमांड ज़्यादा आ गई। तो हमारी जो टेक्सटाइल मिले जहाँ भी मेरी बात हुई है वो कहते हैं कि उनका ऑर्डर बुक फुल थी, कैपेसिटी पे चल रहे थे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो जितना फियर था उसके हिसाब से तो इकॉनमी हैज़न्ट डन पोअरली एट ऑल, अच्छा ही रहे हैं। लेट्स से ग्रोथ पॉजिटिव नहीं रही तो कोई ऐसे फ्यू बेसिस पॉइंट नेगेटिव है, तो मैं कहूँगा कि विथ गुड गवर्नेंस इन सर्टन एरियाज एंड ऑल्सो लॉट ऑफ गुड लक एंड विद गॉड्स विल हम अच्छा उसको फेयर कर गए। बेग साहब, मैं चाहूँगा कि आप आखिर में ज़रूर हमारे लोगों को कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर दें, इन्वेस्टर्स को ज़रूर कोई ना कोई मैसेज ज़रूर दें, लेकिन उससे पहले एक चीज़ ज़रूर चाहूँगा कि आप नाज़रीन के साथ शेयर करें कि इकॉनमी में आखिर ऐसा कुछ क्या है कि एवरी ब्रोकरेज हाउस इज सेइंग कि 25% 30% बाज़ार बढ़ जाएगी, इंडेक्स बढ़ जाएगा।
वी नो वेरी वेल कि हमारा इंडेक्स 40-45 फीसद जो है वो बैंक और ऑयल सेंट्रिक है, बैंकिंग सेक्टर और ऑयल सेक्टर पे डिपेंडेंट है. बैंकिंग सेक्टर में वी नो कि डिविडेंड जो है वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते बैंक. ऑयल सेक्टर की वी नो वेरी वेल कि किस तरह की सिचुएशन है और किस तरह की सिचुएशन इज एक्सपेक्टेड डाउन द रोड 6 to 8 months. सो इस पे ज़रा फरमाइएगा कि आपका क्या व्यू है, बिकॉज इकॉनमी में अभी दो तीन बड़े क्या कहते हैं रिसर्च वर्ल्ड वाइड जो एंटिटीज़ हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं कि अगले 4-5 साल पाकिस्तान के लिए बड़े चैलेंजिंग हो सकते हैं. इनफैक्ट PwC की भी ये रिपोर्ट है. सो वॉट इज़ इट जो ब्रोकर्स को नज़र आ रहा है और हम जैसे लोगों को नहीं नज़र आ रहा? जी देखिए, एक्विटीज़ में ये है कि पाकिस्तान को आपने एक तो ये देखा होगा हिस्टोरिकली हमारी मार्केट थोड़ी सी कॉन्ट्रेरियन चलती है बाकी बड़ी मार्केट्स के मुकाबले में, और हो सकता है उसमें बहुत सी वजूहत हों, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमारे मार्केट से पिछले 4-5 साल में 6 साल में फॉरेनर्स ने बहुत ज़्यादा एग्ज़िट किया, तो उनका बहुत कम पैसा रह गया है. अब जो लेटेस्ट मैंने कुछ जैसा इकोनॉमिस्ट वगैरह हैं या फाइनेंशियल टाइम्स हैं उनकी प्रेडिक्शंस ये हैं कि अब ज़्यादा पैसा फ्लो करेगा इनटू इमर्जिंग मार्केट्स वगैरह, जिस तरह आप कह लें पाकिस्तान मार्केट. उसके अलावा जो थोड़ा सा इकॉनमी में और हमारी मार्केट में जो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती है वो इस हद तक कि हमारी जो इंडेक्स हैवी कंपनियां हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें अगर वो बेहतरी चल रही हो तो इंडेक्स या वैल्यूएशंस तो बहुत अच्छी लग रही होती हैं. ज़रूरी नहीं होता है कि उसका आप ये इंटरप्रेट करें कि पूरी इकॉनमी का वही हाल है. हो सकता है उसमें आप अगर देखेंगे हमारे लिए एग्रीकल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है इकॉनमी का, इट हैज़ नॉट डन वेल, हमारी कॉटन प्रोडक्शन कम रही है वगैरह, तो वहाँ पर गुंजाइश है कि हम उसको इम्प्रूव करें. लेकिन ओवरऑल बिल्कुल आपका कहना वजह कि रिलेटिव जब आप देखते हैं कि हमारी एवरेज वैल्यूएशन जो हिस्टोरिकली रही हैं प्राइस अर्निंग रेशो पे ले लो या डिविडेंड यील्ड पे ले लो या प्राइस टू बुक पे ले लो, तो उनसे हम कम पर चल रहे हैं एज एन एवरेज इस वक्त. और इसी तरीके से अगर आप बाकी कंपेरेबल मार्केट से कंपेयर, जहाँ जहाँ हम कंपेयर करते हैं अपने आप को दूसरी मार्केट से जो इमर्जिंग मार्केट टाइप्स होती हैं, तो उनके मुकाबले में भी हमारी वैल्यूएशंस रिलेटिवली एवरेज से बहुत कम है. तो देखा जाए तो इसमें के अपसाइड का इम्पैक्ट काफ़ी हो सकता है. दूसरा जो हमारे अगेन जो हैवी आइटम्स हैं इंडेक्स के, उनमें जिस तरह सीमेंट हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया वगैरह, उनमें अर्निंग्स ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी अच्छी है. ज़ाहिर है उस पर दो चीज़ें होती हैं, अगर आपका बेस लो हो गया हो, क्योंकि कोविड से पहले आप देखेंगे तो हमारी इकॉनमी डाउन टर्न में आ गई थी, वो हमें काफ़ी मेजर एडजस्टमेंट करना पड़ा था फॉरेन करेंसी अकाउंट वगैरह पर, तो उसकी वजह से हमारे इकॉनमी काफ़ी डैमेज हुई थी जिसको हिट लगी. तो अब वो जब बेस लो हो जाता है उसके बाद जब आप चीज़ों को देखते हो तो वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा लगती है. जिस तरह अगर आप GDP ग्रोथ अगर हमारी लगभग 2.25% हो जाती है ग्रोथ इस कमिंग ईयर पे, तो पिछले साल अगर वो -0.4 थी या कुछ थी तो 2 percentage point से ग्रोथ तो बहुत बड़ी ग्रोथ होती है. तो इसी तरीके से हालांकि वो टोटल पे आप देखोगे तो 2% हमारी इकोनॉमी के लिए मतलब बहुत कम है, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन ही उससे ज़्यादा ग्रो कर रही होती है. तो आपको तो 5% प्लस की ग्रोथ चाहिए अगर आपने कहीं पहुँचना है. लेकिन बेस इफेक्ट हमारा ऐसा हुआ है कि वो हर चीज़ इस वक्त कहीं भी आप हाथ लगाएंगे तो आपको पॉजिटिव उसमें ज़्यादा नज़र आएगा. तो वैल्यूएशंस वाकई ऐसी कम है इस वक्त कि अट्रैक्टिव है. मैं फिर आपसे रिपीट करूंगा, प्योरली इकॉनमी की बात नहीं होती है. मैं आपसे ये रिपीट करूंगा जो एक नॉर्मल कहावत है कि जी स्टॉक मार्केट इज़ बैरोमीटर ऑफ हेल्थ ऑफ द इकॉनमी, इससे मैं
एग्री नहीं करता हूँ। आप अगर देखेंगे, अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं और बैंक्स की अर्निंग्स बढ़ जाती हैं तो बाकी इकोनॉमी के लिए तो अच्छा नहीं होता है। अगर ऑयल के दाम बढ़ जाते हैं और जो ऑयल एंड गैस सेक्टर उनके अर्निंग्स बढ़ जाएंगी तो मार्केट में तो ये बहुत तेज़ी आ जाएगी, लेकिन वो भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो आप इकोनॉमी और इसको आप अलग रखें। हाँ, मार्केट में आपके जो फैक्टर्स हैं कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी है एक्सपेक्टेड, जो लिक्विडिटी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पैसा कितना मार्केट में आ रहा है। अगर कंपनियों अच्छी भी चल रही होती हैं, आपने कभी कभार देखा है कि किसी एक वजह से लिक्विडिटी अगर ड्राई अप हो जाती है मार्केट में तो दाम गिर जाते हैं। तो उसका बरक्स जब लिक्विडिटी ज़्यादा आ जाती है, और इस साल क्योंकि एमर्जिंग मार्केट्स में भी इनफ्लोज एक्सपेक्टेड हैं, उसके अलावा हमारी जितनी डोमेस्टिक सेविंग्स हैं उनका भी रुझान एक्विटी मार्केट की तरफ जा रहा है। अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड वाले भी बढ़ा रहे हैं एक्विटी में शेयर, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह भी बढ़ा रही हैं। तो आप लिक्विडिटी की बेसिस पे जब आप देखेंगे और अर्निंग्स ऑफ दी कंपनीज जिनका मार्केट में वेट है तो वो तो अच्छा लगेगा। बट अगर आपने जो दो सेक्टर्स की बात की वो टेक ऑफ कर जाते हैं बिकॉज हाई इंटरेस्ट रेट एंड हाई ऑयल प्राइसेस, तो यू नो कि इकोनॉमी का क्या हाल होगा। देखिए, मेरा मैसेज सिंपल है एंड आई एम टॉकिंग टू द स्मॉल सेवर इन्वेस्टर कमिंग इनटू द एक्विटी मार्केट। ये मार्केट को टाइम करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छे से अच्छे जो इन्वेस्टर्स हैं जिनका तजुर्बा है वो नहीं कर पाते हैं और गलती कर पाते हैं। तो आपने अगर इन्वेस्ट करना है तो वक्तन वक्तन महीने के महीने थोड़े थोड़े पैसे डाल दें, वो बेहतर है। इक्विटी मार्केट में आपको नहीं पता आज आप पैसे डालोगे कल टेक ऑफ कर जाएगी या गिर जाएंगे दाम, तो आप ग्रेजुअली डालते रहोगे तो आपका एवरेज आउट हो जाएगा, तो वो सबसे ज़्यादा आपके चांसेस होते हैं कि आप अर्न करें। और दूसरा कि आप सुनी सुनाई बातों पे ना जाएं, आप ये खुद अंदाज़ा करें कि भाई ये कंपनी के आज दाम ये चल रहा है, इसकी अर्निंग्स अगर मैं देखूं जो हिस्टोरिक है, चले मैं फ्यूचर की नहीं फोरकास्ट कर सकता हूं, एक अंदाज़ा कर सकता हूं, तो उसके हिसाब से ये मुनासिब है कि नहीं, क्या इस दाम पर अगर ये डिविडेंड देती है तो मेरे बारह बैठेगा या नहीं, इस लिहाज से देखें। ये चीज़ ना हो कि कोई आके कह रहा है कि यार ये चीज़ में फलाना हो जाएगा फलाना हो जाएगा। किसी को स्टॉक की प्राइस का कोई नहीं प्रडिक्शन कर सकता है। प्रडिक्शन आप एक कंपनी के हालात की कर सकते हो कि भाई इन करंट हालात में ये सेक्टर है सीमेंट का अच्छा चलना चाहिए, ये कंपनी इसकी मैनेजमेंट अच्छी है हिस्टोरिकली सही चल रही है, तो ये वाली सीमेंट कंपनी अच्छी चलनी चाहिए। ये तो आप एक जजमेंट कॉल ले सकते हो, लेकिन वो अच्छी चलने का ये मतलब नहीं कि आप किसी दाम पे भी शेयर खरीदें। 2020 में मार्केट ने बहुत ही रिमार्केबल कमबैक किया और मार्च से लेके टू डेट मार्केट की ओवर 60% की परफॉर्मेंस रही, जो कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी दुनिया की सारी मार्केट्स में। तो वी आर वन ऑफ द टॉप 5 मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे साल का अगर हम देखा जाए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न है, और 60% का रिटर्न मार्च टू डेट जो है वो बहुत ही अच्छा रिटर्न है। और टेकिंग इनटू अकाउंट कि बिजनेसेस की कंडीशन थोड़ी ख़राब हुई थी, लेकिन जो है मार्च में मार्च के बाद जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे टूवर्ड्स डिस्काउंट रेट, और जो स्टेट बैंक के इनिशिएटिव्स थे डिस्काउंट रेट के ऊपर, और इसके अलावा पोस्टपोनमेंट ऑफ जो है वो जो प्रिंसिपल अमाउंट थी प्रिंसिपल लोन थी उसको उन्होंने पोस्टपोन करवाया, और इसके अलावा SBP रोज़गार स्कीम जो है वो लॉन्च करी, तो इसकी वजह से बिजनेस में थोड़ी एक्टिविटी शुरू हुई और उसने बहुत ही सहारा दिया। और इसका एविडेंस ये है कि जो फर्स्ट क्वार्टर FY21 का रिजल्ट थे उसमें 38% की ग्रोथ नज़र आई। तो मार्केट इन सब चीज़ों को टेक इनटू अकाउंट किया और बिजनेस की एक्सपेंशन सेल्स की जो एक्सपेंशन हुई है और बॉटम लाइन में जो ग्रोथ नज़र आई उसकी वजह से मार्केट ने उसको रिफ्लेक्ट किया और मार्केट की वैल्यूएशन इस वजह से बेहतर हो गई। तो जो है वो डेफिनेटली जो रीजंस थे मार्केट के वो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ का और इंटरेस्ट रेट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा था मार्केट। देखिए मार्केट तो अच्छा खासा इफेक्ट कर गई, इसकी वजह यह है कि मार्केट कोई 40,000 से 27,000 पे चली गई थी, और इसके बाद जो क्योंकि उसमें उस वक्त अनसर्टेनिटी थी कि कितना इम्पैक्ट करेगी बिजनेसेस में,
तो दुनिया भर की मार्केट्स में इसका इम्पैक्ट आया और पाकिस्तान जो है उसकी वजह से पाकिस्तान की मार्केट में भी इम्पैक्ट आया। वी हैव सीन फॉरेन आउटफ्लोज इन द होल ईयर और इसकी वजह से जो है, और हमारा इंटरेस्टेड उस वक्त ज़्यादा था, लेकिन पेंडेमिक में जैसे ही पेंडेमिक के बाद जो गवर्नमेंट के जो स्टेप्स थे और जो स्टेट बैंक के जो इनिशिएटिव्स थे वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी थे हमारी मार्केट के लिए और हमारे बिजनेसेस के लिए, जिसकी वजह से हमारी मार्केट में और हमारे बिजनेसेस में ग्रोथ आई और वो सारी चीज़ें जो है वो रिफ्लेक्ट कर गई मार्केट की वैल्यूएशन में। तो ये दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ आई वुड से, बिकॉज इस तरीके का डिस्काउंट रेट जो 625 बेसिस पॉइंट का डिस्काउंट रेट कट हुआ वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो अदरवाइज होते, और उसकी वजह से जो IMF की जो कंडीशंस थी उसमें हमारी उसमें हमें रिलैक्सेशन मिली, जो हमारे टारगेट्स थे उसमें हमें रिलैक्सेशन मिले। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो है बिजनेसेस की एक्सपेंशन हुई, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्टेट बैंक ने फिक्स रेट पे लोन की सहूलत दी है अदर देन दी टेक्सटाइल सेक्टर, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर को पहले भी ये फैसिलिटी थी, लेकिन अब ओवरऑल सारे बिजनेसेस में ये जो है टर्फ की फैसिलिटी जो है वो उन्होंने इनिशिएटिव किया, और वो बहुत ही ज़्यादा 10 साल के लिए आपको बिटवीन 2-5% का लोन जो है वो फिक्स रेट पे, वो एक बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव साबित हुआ, और बहुत सारे लोग इसको इसकी वजह से कैपेसिटी अपनी एक्सपेंशन कर रहे हैं, और कैपेसिटी एक्सपेंशन करने की वजह से जाहिर है ये 2-3 साल के लिए ग्रोथ का बाइस बन सकता है। ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड हाउ डू यू लुक एट द मार्केट इन 2021? सानी भाई, वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट द मार्केट फॉर 2021। उसके रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि हमारी इकोनॉमिक रिकवरी बहुत ही अच्छी हुई है, हमारा जो करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो रिकॉर्ड लेवल पे आ गया है, वो हमारा 5 महीने का $1.6 बिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस हुआ, जो कि हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री का फर्स्ट 5 मंथ्स का सबसे अच्छा सरप्लस है। इससे अच्छा सरप्लस हमारी हिस्ट्री में पहले 5 महीने का कभी भी नहीं हुआ। तो एक तो ये, और इसके अलावा हमारे रिजर्व्स की पोजीशन पिछले 3 साल की सबसे ज़्यादा रिजर्व की पोजीशन पे आ गई है, $13 बिलियन की जो स्टेट बैंक का रिजर्व है। सो इकोनॉमिक नंबर्स बड़े अच्छे हैं, ऑल्दो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरे साल में सरप्लस नहीं होगा, पूरे साल में हम डेफिसिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं $2.5 बिलियन का, और वो डेफिसिट भी हेल्दी होता है, क्योंकि उस डेफिसिट की वजह से इंपोर्ट ऑफ मशीनरी की वजह से डेफिसिट होता है, और दूसरी चीज़ों की इंपोर्ट होती है, फूड की चीज़ें, ऑयल की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से जो है वो इंपोर्ट बढ़ती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रेमिटेंसेस के नंबर्स बड़े अच्छे तरीके से बढ़े हैं, और ये रेमिटेंसेस हमारा 27% इंक्रीज हुआ है, अगर हम 5 महीने का रेमिटेंस का नंबर देखें कंपेयर टू पिछले 5 महीने ईयर ऑन ईयर। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इकोनॉमिक जो रिकवरी हुई है इसकी वजह से हमारे लिए एक बहुत ही एक जो टॉप डाउन अप्रोच होती है, जो भी इन्वेस्टर देख रहा होता है वो पहले इकोनॉमी को देख रहा होता है, और इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इक्विटी मार्केट के लिए। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ है, और कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस दफ़ा 17.5% की अर्निंग ग्रोथ होगी लिस्टेड कंपनीज़ की, और वो पिछले 10 साल की सबसे ज़्यादा होगी, बिकॉज हमारा अगर 5 साल का एवरेज देखें तो 4.5% की अर्निंग ग्रोथ हुई है, अगर हम 10 साल की एवरेज देखें तो तकरीबन 8-9% की एवरेज हुई है। तो ये 17.5% की अगर अर्निंग ग्रोथ होगी तो वो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से हमारा जो लीडिंग मल्टीपल है वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगा, और हमारा अभी लीडिंग मल्टीपल इस वक्त 7.2 times पे इस वक्त जो है वो ट्रेड कर रहा है, और ये अगर इंशाल्लाह मार्केट हमारी, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में 24-25% का मार्केट में बहुत ही सेफली राइज आएगा। सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट सबसे चीज़ ये है कि लिक्विडिटी पोजीशन हमारी मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस उन सब के पास लिक्विडिटी बहुत ही अच्छी है, और वो डेट की फिक्स इनकम के बजाय वो एक्विटीज़ की तरफ जो है वो जो मूव कर रहे हैं और अपनी कन्वर्जन कर रहे हैं अपने फंड्स की, और जितने भी यूनिट होल्डर्स हैं क्योंकि डेट का यील्ड जो है वो बड़ी कम है और एक्विटी की पोटेंशियल जो है रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है, तो वो कन्वर्जन करवा रहे हैं, और हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक अगर वो 5% भी अपने फंड का फ्रॉम डेट टू एक्विटी में अगर कन्वर्जन करते हैं तो तकरीबन 55 बिलियन का इनफ्लो होगा टूवर्ड्स एक्विटी मार्केट, और वो 55 बिलियन का इनफ्लो अगर डोमेस्टिक इनफ्लो अगर आ गया तो हमारी मार्केट में ये री रेटिंग हो सकती है हमारे मल्टीपल की। तो मुझे लगता है कि एक तो अर्निंग ग्रोथ और एक री रेटिंग जो है वो पोटेंशियली मार्केट को बढ़ाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
2021 की जो हमारा इंडेक्स टारगेट है केसी 100 इंडेक्स का वो 52,000 है बाय दिसंबर 2021। और इसकी जो थीम है वो इकोनॉमिक रिवाइवल है, स्टेबल एक्सटर्नल अकाउंट है, वैल्यूएशन हमारी मार्केट की बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और इसके अलावा जो लिक्विडिटी है मार्केट में वो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर है, लोकल लिक्विडिटी। अगर हम 2020 में देखें तो 2020 जो है वो एक जिटरी ईयर रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉलीटिलिटी इन द फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट्स। सिंस मार्च जब से जो है वो कोविड पूरी दुनिया में फैला, ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट्स भी जो हैं वो उन्होंने उसका ट्रेंड फेस किया, और इसी तरह जो हमारी मार्केट है उसमें भी जो है वो एक नेगेटिव मोमेंटम क्रिएट हुआ, और मार्केट ने जो है वो 27,228 पॉइंट्स का जो है वो लो किया था 25 मार्च 2020 को। बट उसके बाद जिस तरह गवर्नमेंट्स ने अक्रॉस द बोर्ड मेजर्स लिए टू कर्ब द वायरस, तो उसके बाद जो है वो स्टॉक मार्केट्स भी जो है वो रिकवर होना शुरू हुई। अगर हम BSE की बात करें तो हमारी मार्केट अपने लो से जो है वो 60% अप है, और आगे जाते हुए हमें ये लगता है कि जो गोइंग फॉरवर्ड मार्केट का सेंटिमेंट है वो इकोनॉमिक रिकवरी, अर्निंग्स ग्रोथ, इनको जो है वो फॉलो करेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे इवेंट्स भी हुए 2020 में जो कि आई बिलीव कोविड का सिनेरियो अगर नहीं होता तो वो पॉसिबल नहीं थे। लाइक फॉर इंस्टेंस स्टेट बैंक ने 625 बेसिस पॉइंट से जो है वो इंटरेस्ट रेट कट किया। इंटरेस्ट रेट कट अगर कोविड नहीं होता तो वी बिलीव के इस लेवल पे जो है वो इतना सिग्निफिकेंटली कट शायद स्टेट बैंक नहीं करता। तो इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए और डिमांड को रिवाइव करने के लिए स्टेट बैंक ने जो है वो कट किया, जिसकी वजह से जो आप देखें कि जब हमारे मुल्क में कोविड के बाद का सिनेरियो देखें हम जुलाई 2020 ऑनवर्ड्स, तो अक्रॉस द बोर्ड हर सेक्टर में जो है वो ग्रोथ आना शुरू हुई, जिसमें जो है वो सीमेंट सेक्टर होगा, स्टील सेक्टर होगा, ऑटोमोबाइल होगा, टेक्सटाइल होगा, जो भी साइक्लिकल सेक्टर्स थे जिनकी डिमांड बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई थी अप्रैल मई एंड जून टाइम पीरियड में, वो जो है वो उसमें जो है वो सॉर्ट ऑफ वी शेप रिकवरी जो है वो आई। तो आगे जाते हुए हमें ऐसा लगता है कि जो मार्केट को अगर हम आउटलुक की बात करें 2021 के, तो जो चीज़ ड्राइव कर रही होगी वो इकोनॉमिक रिवाइवल होगा। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट इकोनॉमी में जो है वो एक अच्छी रिकवरी 2021 में जो है वो एक्सपेक्टेड है। वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो हैं वो सपोर्टिव रहेंगी, उसके साथ वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगी मार्केट की, और लिक्विडिटी जो है। अगर हम वन बाय वन क्विकली इन चारों चीज़ों को डिस्कस कर लें, तो अगर हम इकोनॉमी से शुरू करें तो हम लोगों ने अभी देखा है कि जो करंट अकाउंट के नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनकरेजिंग है। $1.6 बिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस है शुरू के 5 महीनों में, एज़ कम्पेयर टू डेफिसिट ऑफ $1.7 बिलियन ड्यूरिंग फर्स्ट 5 मंथ ऑफ फिस्कल 20। तो इसमें जो हमारी रेमिटेंसेस की सपोर्ट है वो बहुत सिग्निफिकेंट रही है, तकरीबन 27% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ है रेमिटेंसेस में, और उसके साथ साथ इम्पोर्ट्स हमारी तकरीबन 4% से जो है वो डाउन है फर्स्ट 5 मंथ ऑफ फिस्कल 21। रेमिटेंसेस का जो इंक्रीज़ है उसकी बुनियादी वजह जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे तो वो ऑफिशियल चैनल यूज़ करें, इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने इलीगल चैनल्स पे कर्ब किए हैं अब वो भी एक वजह है, और तीसरी इंपॉर्टेंट वजह जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट और जो डिजिटलाइजेशन की तरफ जो गवर्नमेंट और स्टेट बैंक का फोकस रहा है वो है। हमने रोशन डिजिटल अकाउंट्स में देखा है कि $200 मिलियन जो है वो कल तक जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट्स में जो है वो आ चुके हैं, और आगे जाते हुए इसका क्वांटम मजीद बढ़ने इम्कान है। अगर हम GDP पर्सपेक्टिव से बात करें तो हम लोग 1.8% GDP ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर फिस्कल 21 एज कम्पेयर टू डिक्लाइन ऑफ 0.4% ड्यूरिंग फिस्कल 20। इसमें ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो लीड कर रहा होगा, और सर्विसेज और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो है वो ग्रोथ आ रही होगी। इसके अलावा अगर आप स्टेट बैंक की और गवर्नमेंट की पॉलिसीज देखें तो वो जो है वो प्रो ग्रोथ पॉलिसीज जो है वो इस वक्त हैं। आप देखें स्टेट बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट कट किया है उसके बाद टेम्परेरी इकोनॉमिक रीफाइनेंस फैसिलिटी जो है टर्फ जिसपे जो है वो
5% इंटरेस्ट रेट पे जो है वो BMR और एक्सपेंशन एक्टिविटीज़ के लिए 10 साल के लिए जो है वो लोन दे रही है। ये भी ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक ने रोज़गार स्कीम जो लॉन्च की थी कोविड के बाद, वो भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रही है। और इसी तरह लोन की डेफरमेंट और रीशेड्यूलिंग भी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लोकल बिजनेस के लिए सपोर्टिव। अगर हम सेकेंड पॉइंट अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 17.6% अर्निंग्स ग्रोथ इन 2021। और ये जो ग्रोथ ड्राइव हो रही है प्राइमरीली वो साइक्लिकल सेक्टर्स से हो रही है। साइक्लिकल सेक्टर्स में सीमेंट, स्टील, टेक्सटाइल, ऑटोज, OMC ये सारे सेक्टर्स आ जाते हैं। और उसमें जो है वो ऑब्वियसली दो बुनियादी वजह हैं। एक तो जो डिमांड का रिवाइवल है उससे ऑब्वियसली इन कंपनीज के जो वॉल्यूम्स हैं, सेल्स के वॉल्यूम है, वो बढ़ रहे हैं। आप देखें क्रॉस द बोर्ड 16% ग्रोथ 5 महीनों में सीमेंट में आ चुकी है, स्टील में भी तकरीबन 14-15% ग्रोथ है, टेक्सटाइल में भी आप देखें तो इस वक्त जो कैपेसिटीज हैं जून तक वो ऑलरेडी बुकड हैं, उसके बाद के ऑर्डर्स भी आना शुरू हो गए हैं। OMCs में भी तकरीबन 15% ग्रोथ है, जो हमारे पेट्रोल की जो ऑफ टेक है उसमें ग्रोथ है। ऑटोज़ के नंबर भी आप देखें तो तकरीबन 13-14% की जो है वो 5 महीनों में ग्रोथ है। तो यही सेक्टर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में सब तमाम कंपनीज जो हैं इन सेक्टर्स में, यही जो है वो बेसिकली अर्निंग्स को जो है वो ड्राइव कर रही होंगी। इसके अलावा ENP में हम लोग 7% का डिक्लाइन देख रहे हैं, लेकिन उसकी बुनियादी वजह एवरेज ऑयल प्राइस का कम होना है। और इसी तरह बैंक्स में भी हम लोग तकरीबन 4% का डिक्लाइन देख रहे हैं, बिकॉज इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे आए और इसकी वजह से जो है वो स्लाइट अर्निंग डिक्लाइन हम लोग जो है बैंकिंग सेक्टर में देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी इस वक्त आप अगर देखें मार्केट में तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो जो साइज़ है उसका तकरीबन 800 बिलियन रुपीस का साइज़ है। उसमें 25% जो है वो इक्विटी में इन्वेस्टेड है और बाकी 600 बिलियन रुपीस जो है वो डेट में जो है वो इन्वेस्टेड है। तो हमने हिस्टोरिकली देखा है दिसंबर में अगर हम देखें तो जो हमारा इक्विटी का साइज़ था वो तकरीबन दिसंबर 2015 में अगर हम देखें तो वो 42% था, और ये हाईएस्ट गया था 2016 में जब 55% जो है वो इक्विटी हो गई थी, और अभी जो है वो सिर्फ 25% के करीब है। तो ज़रा सी भी मूवमेंट अगर इक्विटी से डेट मार्केट की तरफ होती है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस भी आप देखें तो तकरीबन 300 बिलियन के इंश्योरेंस के AUM हैं, जो 33% जो है वो इक्विटी में इन्वेस्टेड है और रिमेनिंग 67% जो है वो डेट मार्केट में इन्वेस्टेड। अगर हम फॉरनर्स की बात करें तो फॉरनर्स ने जो है वो पिछले 6 सालों में तकरीबन $2.1 बिलियन जो है वो सेल ऑफ किया है। $500 मिलियन से अबव जो है वो 2020 में बेचा है, और उससे पहले 2019 में $56 मिलियन का एक नॉमिनल इनफ्लो था, और उससे पहले कंजेकटिव 4 साल अगर आप देखें तो उसमें जो है वो फॉरनर्स की सेलिंग रही है। तो जो फॉरनर्स का इस वक्त होल्डिंग है हमारी मार्केट में वो $3 बिलियन की है, विच इज़ 21.6% ऑफ फ्री फ्लोट। और अगर हम देखें तो 2014 में ये हाईएस्ट थी तकरीबन 37% ऑफ फ्री फ्लोट। अगर हम इसमें भी फर्दर ब्रेक डाउन करें तो जो नॉन स्ट्रेटेजिक होल्डिंग है वो $1.4 बिलियन की है, जो कि तकरीबन 10% बनता है फ्री फ्लोट का। नॉन स्ट्रेटेजिक से जो कि स्ट्रेटेजिक नहीं है वो शायद मार्केट में जो है वो बिकने के लिए आ सकती है, बट ऑन द कॉन्ट्री हम लोग जो है वो 2021 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फॉरनर जो है वो बायर होंगे और तकरीबन $300 से $400 मिलियन हम लोग इनफ्लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ताहिर अब्बास, आपका वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा किसी वक्त पे किसी अच्छी मौजू के साथ आपसे दोबारा बातचीत करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बातचीत की आरिफ हबीब सिक्योरिटी से, और हमने इनका व्यू लिया इंडेक्स के ऊपर 2021 में इनको इंडेक्स कहाँ नज़र आता है, इकॉनमी के जो इंडिकेटर्स हैं, जहाँ हमने बाकी 4 ब्रोकरेज हाउसेज जिसमें AKDK, SBJS और BMA हैं, सब ने अपने इंडेक्स लेवल दिए, सब ने अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपने एनालिसिस, अपने रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में बताया कि वो डॉलर को कहाँ देखते हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ द ब्रोकरेज हाउसेज इंक्लूडिंग आरिफ हबीब सिक्योरिटीज, दे ऑल सेड के डॉलर 165 से ऊपर रहेगा, किसी ने भी 165 से कम का नंबर नहीं दिया। इंडेक्स के लिए नन ऑफ द ब्रोकरेज हाउसेज, दीज 5 ब्रोकरेज हाउसेज इंक्लूडिंग आरिफ हबीब, नन ऑफ देम सेड के इंडेक्स जो है वो 50,000 के लेवल से कम रह सकता है। देर इज़ अ काइंड ऑफ कंसेंसस के जो इंडेक्स का पुराना नंबर है वो ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। रिजर्व्स के ऊपर एवरीबडी फील्स
के रिजर्व्स में स्टेबिलिटी होगी, 20 बिलियन डॉलर से ऊपर रह सकते हैं। पाकिस्तान के लिए एक बात खुशाइंद है कि पाकिस्तान के जो कर्जे हैं वो अब डॉलर से युआन का सफ़र कर रहे हैं, और पाकिस्तान और चाइना का जो करेंसी स्वाप एग्रीमेंट है इसके भी जो फल हैं वो कौम को मिलना शुरू हो जाएंगे। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि जिस तरह 1990s में एक डॉलराइजेशन की ट्रांजिशन थी, पेट्रो डॉलर्स को दुनिया में स्पेस मिला था, आज चाइना की करेंसी दुनिया में होपफुली स्पेस मिलेगी बिकॉज ऑफ पाकिस्तान एक्सटेंडिंग अ हैंड ऑफ कोऑपरेशन विद द चाइनीज। इन्फ्लेशन के ऊपर तक तमाम ब्रोकरेज हाउसेज ने कमोवेश की बात की कि इसमें 1% का उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। IMF के प्रोग्राम रिजम्पशन के ऊपर देर इज़ अ काइंड ऑफ कंसेंसस कि ये प्रोग्राम रिज्यूम भी हो जाएगा, सेनेट के इलेक्शंस भी हो जाएंगे और पॉलिटिकल नॉइज मैनेज भी हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो कंजर्वेटिव अप्रोच ली है दैट इज़ RFB सिक्योरिटीज़, इनके नंबर्स इंडेक्स के बारे में सबसे कम है। दे थिंक कि ये 52,000 के लेवल को टच कर लेगा, विच इज़ ग्रेट ऑफ देम। जो सबसे बड़ा नंबर आया बेस्ट पुल केस, दैट वाज फ्रॉम मौजम मलिक ऑफ BMA। दे थिंक कि बेस्ट पुल केस में बाजार 60,000 का लेवल क्रॉस कर लेगी। अगले हफ्ते से वी विल ट्राई एंड कनेक्ट विद द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर्स और एडवाइजर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और हम उनसे इन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर जो ब्रोकरेज हाउसेज ने व्यू दिया है इसके ऊपर हम गोइंग फॉरवर्ड 2021 के रिव्यू के लिए जनवरी के महीने में फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द हु हैव सर्व्ड ऑन एट दिस पोर्टफोलियो